बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पोटे और कलेजी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो पोटे लिए और आधा किलो ही कलेजी ली है, और ये अंदर दो तीन दिल भी हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। पोटों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसको जो है पोटों को पहले हम बीट करवा लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। ये आप देख सकते हैं पानी मैंने पहले से रखा हुआ था कुकर में, तो क्योंकि मैंने इसको कुकर में वेट करवाना, तो पोटों को हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये जो है गल जाए। तो इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए वेट करवाऊंगी, क्योंकि पानी अब गर्म हो चुका है। जैसे ही सीटी चलेगी तो हम इसे 10 मिनट के लिए वेट करवा देंगे। अब इसे मैं ऊपर से बंद कर दूँगी। हल्का सा जो है इसमें नमक शामिल कर देंगे, आधे से ज़्यादा चम्मच। ये इसमें हमने आधे से ज़्यादा चम्मच जो है नमक शामिल किया है, और इसमें जो है थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब इसको ऊपर से मैं ढक दूँगी, ढकना बंद करके इसको 10 मिनट के लिए वेट करवाऊँगी। वेट करवाने के बाद आपको चेक करवा देती हूँ साफ सुथरा। फोटो को मैंने वेट करवा लिया है, ये आप देख सकते हैं गल चुकी हैं। तो ये मैंने छोटे टुकड़ों में काट ली हैं, और टमाटर मैंने दो अदद बड़े लिए हैं उनको काट लिया, मिर्चे लिए हैं 6 से 7 अदद, धनिया हर पे ज़रूरत, और दो अदद प्याज हैं, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। अब हम इसे बना लेते हैं। ऑयल हमारा घी, ये देखें घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें जो है हम प्याज शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसकी बारीकी काट सकते हैं। प्याजों को हल्का सा ब्राउन करना है पहले, और बाद में इसमें जो है मसाला जार शामिल करेंगे। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम लहसुन शामिल कर देंगे, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। ब्राउन कर लेंगे। लहसुन भी हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम जो है मसाला चार शामिल करेंगे। इसमें हमने 1 चम्मच हल्दी और साथ ही मिर्ची मिक्स है, ये 1.5 चम्मच शामिल करेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे, और 1 चम्मच लाकर इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें टमाटर और बाकी मसाला का जो है अच्छे से गल जाए, इसको हम थोड़ी देर के लिए चेक कर देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं।
है वो साला में है आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है और आप इसमें जो है अदरक शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच है। अब इसे अच्छे से मिलाई कर जैसे हम पोते शामिल कर लेंगे और इसे अब इसे जो है 5 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। अब इसे हमने हरा धनिया शामिल किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।